हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फन 99 ऑल में। तो फ्रेंड, आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम केन मास्टर में वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक पहुँच सके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैन मास्टर ओपन कर लेते हैं। अभी देखिए, इस पे जो ये साइड पे प्लस का साइन है, इस पे हमें क्लिक करना है। अगर आप कोई वीडियो में कुछ लिखना चाहते हैं या कोई बैकग्राउंड सॉन्ग लगाना चाहते हैं तो आप इसको प्रोजेक्ट के तौर पे, जो सबसे ऊपर है प्रोजेक्ट असिस्टेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे दिखाएगा। ओके कर देंगे। आप जो भी वीडियो या पिक्चर इस पर लगाना चाहते हैं, फर्स्ट पे जो आए वीडियो के, वो आप क्लिक कर सकते। जैसे मैं ये लगा लेता हूँ और मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखिए ये फर्स्ट पे आ गया। अभी मैं ऊपर साइन आ रहा है डाउनलोड के साइड में, बैक का मैं बैक जाता हूँ। अभी मैंने इसके बाद कोई वीडियो लगानी है, मैं ये वीडियो कोई भी इसमें से ले लेता हूँ। जैसे ये वीडियो कोई भी है, मैं ये वीडियो इसके आगे लगा लेता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट पे आप इस वीडियो को कैसे देखना चाहते हैं, ये आ रहा है जो थीम कौन सा लगाना चाहते हैं, ये ऑन स्टेज है, ये सीरियन है और ट्रेवल है। जिस टाइप के आप लगाना चाहते हैं इसको आप क्लिक कर सकते हैं। मैं ऑन स्टेज क्लिक कर रहा हूँ। अगर नहीं भी करना चाहते तो नहीं भी करें, आपकी मर्जी है। ये मैं ऑन स्टेज क्लिक कर लेता हूँ और उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो ये टेक्स्ट आपकी वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैसेज आएगा, जो आपकी जो वीडियो देखते हैं उनके लिए, उस पर आएगा। ये कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मिडल एंडिंग, अगर आप ये नहीं भी करना चाहते तो ये आपकी इच्छा है। उसके बाद बैकग्राउंड ऑडियो, आप कुछ भी इसमें ऑडियो लगा सकते हैं। ये देखिए साइड पे इस पे ऑडियो के ऑप्शन दिए हैं, कहाँ से आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये भी नहीं लगाना चाहते आप नेक्स्ट कर लीजिए। ये देखिए आपकी, सबसे पहले हमने जो फ़ोटो सेलेक्ट की थी ये फ़ोटो आ गई है, उसके बाद ये वीडियो आ गई है। तो फ्रेंड, हम इसे जब प्ले करेंगे, ये देखिए ये जो फ़ोटो है पूरी, मतलब के सेंटर में ऐसे नहीं दिखाई देगी। अगर आप इस फ़ोटो को पूरा, मतलब के इसका पूरा व्यू सेट करना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपको सेंटर में जो बॉक्स का साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आप फ़ोटो को जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं उतना सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यही व्यू आपका एंड तक रहे तो आप ये साइड पे जो साइन है इस पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए अभी ये फ़ोटो हिलेगी नहीं। अगर आप इसको नहीं क्लिक करेंगे तो आपकी ये फ़ोटो बैक जाती रहेगी, पीछे को जाती रहेगी, छोटी होती रहेगी। अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये नहीं होगी। तो नेक्स्ट है कि अभी वीडियो पे आते हैं। वीडियो पे आप क्या करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। अगर आप उसकी स्पीड को थोड़ा कम करना चाहते हैं स्लो मोशन में, ये सेकंड पे ऑप्शन है, वो कर सकते हैं, तेज कर सकते हैं। रोटेट मिररिंग, आप इसका रोटेट चेंज करना चाहते हैं लेफ़्ट राइट। ये देखिए अभी इधर को हो गया, अभी मैं इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो राइट हो गया। इसको ऐसे करना चाहते हैं ऐसे हो गया, बैक करना चाहते हैं बैक हो गया, जैसे भी आप करना चाहते हैं। तो कलर थर्ड पे, इस फोर्थ नंबर पे है कलर फिल्टर, इस पर आप कलर फिल्टर करता है, जो आपको पसंद है वो कर सकते हैं। ये देखिए इतने ऑप्शन हैं, कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बाद है कलर एडजस्टमेंट। अभी ये देखिए यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे कलर थोड़ा डार्क करना है डार्क कर सकते हैं। अगर ब्राइटनेस, ये देखिए जैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। ये था कलर एडजस्टमेंट। अभी हम बात करने जा रहे हैं वॉल्यूम एडजस्टमेंट, वॉल्यूम इनवेलप। इस पे आप वॉल्यूम को हाई कर सकते हैं, जैसे भी आप करना चाहें, लो हाई वो दोनों कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग था, वीडियो के बारे में था। तो अभी क्या है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वीडियो पे, ये देखिए लेयर खोलते हैं, अगर आप कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं वो, तो एफएक्स पे आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, बेसिक इफ़ेक्ट। उसके बाद
अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो देखिए, फोर्थ नंबर पे टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ फन 99, इस पर ओके करेंगे। तो ये देखिए, इसको आप इस ये आप जो जो आपने लिखा है ये कहाँ वीडियो में कहाँ तक आना चाहिए, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे येलो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको मैं आगे भी कर सकता हूँ, पीछे भी कर सकता हूँ। तो अभी इसको आपने कलर चेंज करना है। जैसे यहाँ वाइट कलर में आ रहा है तो मैं यहाँ पे रेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी ये रेड में हो गया। अभी आप राइटिंग कौन सी सिलेक्ट करना चाहते हैं, इनमें ऑप्शन दिए हैं, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी ये उस राइटिंग में हो गया, जिसको आप जूम भी कर सकते हैं। तो ऐसे फ्रेंड आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। और अभी अगर आप हैंड राइटिंग से कुछ लिखना चाहते हैं, या कोई एरो का साइन दिखाना चाहते हैं, या कुछ भी आप साइन दिखाना चाहते हैं, तो हम राइटिंग पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए ऑप्शन आ रहा है एरो का। तो मैं ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, अगर राउंड दिखाना चाहते हैं मैं राउंड सेलेक्ट करता हूँ, और जो चीज़ मुझे हाईलाइट करनी है उस पर मैं राउंड दिखाऊँगा। जैसे मैंने ये फेस पर कर देता हूँ, ये देखिए ये मैंने राउंड कर दिया। अगर आप राउंड नहीं करना चाहते, कुछ एरो का साइन देना चाहते हैं, तो ये देखिए मैं एरो का साइन दे रहा हूँ, ये एरो का साइन आ गया। अब ये नहीं यूज़ करना चाहते, इसमें बहुत ऑप्शन है फ्रेंड। अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो पेन का ऑप्शन दिया हुआ है, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हैंड राइटिंग का ऑप्शन। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये आप साइड पे देख नीचे देख रहे हैं वॉइस। अगर आप वीडियो में अपनी वॉइस एडिट करना चाहते हैं तो वॉइस पे क्लिक कीजिए, वीडियो में आपकी आवाज़ रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाएगी। और इधर साइड में ऑडियो, ऑडियो पे आप क्लिक करेंगे तो आप कोई भी सॉन्ग इस वीडियो पे लगा सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं कोई सॉन्ग सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोई भी, ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद आपको प्लस का जो साइन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, वो आपके वीडियो पे ये सॉन्ग शुरू हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। अब सॉन्ग को आप कट करना चाहते हैं या वीडियो को कट करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने सॉन्ग को कट करना है, इस पर आप सॉन्ग पे क्लिक करेंगे। अभी आपको यहाँ पे साइड पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है वॉल्यूम का, इस पर आप सॉन्ग की वॉल्यूम हाई और कम कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो अगर सॉन्ग को ट्रिम करना है, ट्रिम पे ऑप्शन आएगा। अगर लेफ्ट से ट्रिम करना है तो ये सबसे पहले वाला ऑप्शन है, अगर राइट से ट्रिम करना है तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, सबसे सेकंड वाला, सॉरी सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमें लेफ्ट से ट्रिम करना है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये देखिए सॉन्ग जो है, सॉरी मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ सॉन्ग। हाँ, ये मैंने सॉन्ग सेलेक्ट किया, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अभी मैं इसको ट्रिम करता हूँ, ये मैंने लेफ्ट से ट्रिम किया, ये देखिए ट्रिम हो गया। अभी मैं इसको राइट से ट्रिम करना चाहूँगा, तो फ्रेंड अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा, ट्रिम के ऑप्शन पे जाऊँगा और इस पर राइट से क्लिक करूँगा। ये देखिए राइट से भी ट्रिम हो गया। ये ऐसे इसको ट्रिम कर सकते हैं, वीडियो को भी और सॉन्ग को भी, जो भी चीज़ आप ट्रिम करना चाहें ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था कि हम कैन मास्टर में वीडियो कैसे एडिट करना कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो पर लाइक कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फ्रेंड।